और जो लोग यहाँ पूजन करना चाहते हैं, जोत लेना चाहते हैं बाबा की, बाबा शाम की, तो यहाँ पे आ सकते हैं दरबार में। हाँ, जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक दर्शन करने आ सकते हैं और बाबा दरबार से आज प्रथम दिवस पे बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं यहाँ पे आके। गौरव जी, गौरव श्रीवास्तव। बोलिए खाटू नरेश की जय। आइए वो भावना बनाइए, ये मत सोचिए कि आज हम यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं, वो भावना बनाइए कि हम रिंगस से चलकर खाटू धाम पहुंचे हैं और इंतजार में बैठे हैं कि पट कब खुलेंगे मेरे खाटू नरेश के। बोले सच्चे दरबार की, बोले श्याम प्यारे की, और पूरी भावना लेकर प्रभु के दरबार में पहुंचे हैं कि आज हम अपने दिल की बात, अपने परिवार की बात कहेंगे। क्योंकि हम मंदिर क्यों जाते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। बोले सच्चे दरबार की। कोई लाल मांगने जाता है, कोई माल मांगने जाता है, और सब कुछ मिलता है इसके दरबार से, सबकी झोलियां भरती है, लेकिन देने वाले के दोनों हाथ कभी नजर नहीं आते। बोलो सच्चे दरबार की। तो आइए उसी भावना से चलते हैं दरबार में, अपनी भावना रखते हैं, अपने परिवार से जितने लोग प्रेम करते हैं, जरा एक हाथ उठाकर दिखाओ ना, सभी करते हैं। प्रश्न मैंने बड़ा गलत कर दिया है। हाँ जी, जो जितना प्रेम करते हो अपने परिवार से, इस भजन को पूरे हृदय से, पूरे दिल से प्रभु के चरणों में अर्पित करना, समर्पित करना और पुकारना उनको। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे, कई पुराने से दो कदम चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से, क्योंकि मेरे प्रभु क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी ना हो, ऐसी हो तो फिर मोहब्बत कभी ना हो, वादा जरूर करते पर आते कभी नहीं, और ये भी चाहते हो कि शिकायत कभी ना हो। भाई सबसे पहले तो जो बुजुर्ग बैठे हैं आपके चरणों में मैं नमन करता हूं, क्योंकि श्याम बाबा आशीर्वाद देंगे ये बात की बात है, लेकिन ये पहला आशीर्वाद जो बुजुर्गों का मिल जाता है,
जिनको हमने देखा है, कहते हैं माहौल का असर किसी अच्छे को मिलेगा, माहौल का असर किसी अच्छे को मिलेगा, झूठा भी सच बोलेगा किसी सच्चे को मिलेगा। और इस वजह से नमन करता हूं मैं आप बुजुर्गों को, क्योंकि इस पेड़ का साया कल मेरे बच्चे को मिलेगा, कल मेरे बच्चे को मिलेगा। आइए चलते हैं प्रभु के चरणों में। कुछ मैं अपने दिल की बात कहूँ तो कुछ आप अपने दिल की बात कीजिए, लेकिन बात जब दोनों तरफ से हो, आंख जब दोनों तरफ से मिले, तब आनंद आता है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए पुकार दीजिए कन्हैया को और श्याम प्यारे को और कह दीजिए, हो कलयुग में तुम हो आए, कलयुग में तुम हो आए संसार के लिए। लेकिन आज अभी कोठी में ताता लगा हुआ है भक्तों का, वो क्यों लगा हुआ है? सिर्फ एक ही कारण कि हम भी तेरे दर पे आए हैं परिवार के लिए, हम भी तेरे दर पे। समझदार को इशारा काफी होता है, कहने की जरूरत नहीं होती। जरा मिलकर बोलिए, हम भी तेरे दर पे आए हैं परिवार के लिए। गाइए, हम भी ईमानदारी से बताइएगा अपने परिवार के लिए कितने लोग मेहनत करेंगे इस वजन में। हाँ तो वो खोलिए बिल्कुल, अगर आज आप मांगने में शर्मा गए तो कल ये देने में ना शर्मा जाए। बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए और लहराइए के ताली। वन टू थ्री देखो, कलयुग में तुम हो आए, कलयुग में तुम हो आए, वो कलयुग में तुम हो आए, कलयुग में तुम हो आए संसार के लिए, हम भी तेरे दर पे आए परिवार के लिए, हम भी तेरे दर पे आए हैं परिवार के लिए, हम भी तेरे दर पे आए हैं परिवार के लिए, हम भी तेरे दर पे आए हैं परिवार के लिए। क्यों आए हैं? कईयों को तो आना भी नहीं नसीब हुआ है भैया, कई लोग तो अपने अपने घरों में पड़े होंगे, कई लोग अपने परिवार को लेकर घूमने निकल गए होंगे। बोलो सच्चे दरबार की। हर इंसान की इतनी औकात नहीं है कि इनके चरणों में सबकी हाजिरी लग जाए। बोलो जय श्री श्याम। इसीलिए कहता हूं किस्मत वालों को मिलता है बाबा का दरबार, किस्मत वालों को सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार किस्मत वालों को मिलता है बाबा का दरबार, वालों को मिलता है सिया दरबार। हाथों को लो अब लहरा बाजी, और मेरे प्रभु
इस झूठी सी दुनिया में कोई भी नहीं हमारा इस झूठी सी दुनिया में कोई भी नहीं हमारा इस झूठी सी दुनिया में कोई भी नहीं हमारा इस झूठी हाँ देखो आई है तो पहले हालचाल ले लिया जाए श्याम बाबा को बाद में याद कर लेंगे बोलो सच्चे दरबार की इस झूठी सी दुनिया में कोई भी नहीं हमारा इस झूठी सी दुनिया में कोई भी नहीं हमारा बस हाथ पकड़ लो मेरा बन जाओ मेरा सहारा बस हाथ पकड़ लो मेरा बन जाओ मेरा सहारा क्योंकि हजारों दर्दमंद मिलते काम के रोज चंद मिलते हजारों दर्दमंद मिलते हैं इस दुनिया में लेकिन काम के लोग बहुत ही चंद मिलते हैं और जब जरूरत का वक्त आता है तो अपनों के दरवाजे छोड़िए मोबाइल तक बंद मिलते हैं जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो नंबर अभी स्विच ऑफ है बोलो सच्चे दरबार की सुनिएगा जब दिल गर्दिश लिए आते हैं हर शख्स बुराई देता है ये सच्चाई है इस दुनिया की जब दिल गर्दिश लिए आते हैं हर शख्स बुराई देता है दुनिया में नहीं अपना कोई हमदर्द दिखाई देता है माँ बाप निकम्मा कहते हैं भाई अगर कमाएगा नहीं तो कल अपने परिवार को कैसे पालेगा बोलो सच्चे दरबार की माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है भाई भी बुरा वो करते हैं भाभियों को नफरत होती है ये सच्चाई है इस दुनिया की बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद घर वाली जिगर जलाती है अपने बेगाने हो जाते जब कर्ज रक्त दिखाते जब कर्ज रक्त दिखाते हैं जब कर्ज रक्त दिखाते हैं किसलिए बता रहा हूँ प्रभु इस झूठी सी दुनिया में कोई भी नहीं हमारा इस झूठी सी दुनिया में कोई भी नहीं हमारा अब हाथ पकड़ लो मेरा बन जाओ मेरा सहारा अब हाथ पकड़ लो मेरा बन जाओ मेरा सहारा इस बार से अपना लोटा इस बार से अपना लोटा मेरे प्यार के लिए एक बार तो अपना लोना मेरे प्यार के लिए कह दो ना हम भी तेरे दर पे आए हम भी तेरे दर पे आए हैं और एक इंसान सुबह से लेकर रात तक रात से लेकर सुबह तक मेहनत करता है तब जाकर उसके परिवार में दो रोटियां बन पाती है बोलो सच्चे दरबार की और यहाँ पर दो घंटे मेहनत करनी है और सारी उम्र परिवार खाएगा बोलो सच्चे दरबार की जरा हाथों को उठाओ ना विश्वास के साथ जो मानते हैं इस बात को और कहो इधर विश्वास नहीं करते क्या करते हैं तो हाथों को उठाइए बिल्कुल सीधे और मेरे साथ गाइए हम भी तेरे दर पे हम भी तेरे दर पे और हाथों को उठाया है तो मिलकर विश्वास वाली तालियां भी होनी चाहिए वन टू थ्री फोर Thank you.
एक मेरा भी है सपना सब लोग तालियां बजाएंगे और सब लोग कहेंगे एक मेरा भी है सपना मेरा भी सुंदर घर हो घर भी बैठे हो बाबा प्यारा सा मंदिर हो घर भी बैठे हो मंदिर हो घर भी बैठे हो बाबा इस प्यारा सा मंदिर हो घर भी बैठे हो बाबा हम भटक रहे हैं बाबा बेकार के लिए इसलिए तो तेरे दरबार में आकर रोड पर बैठ गए हैं और बार बार यही पुकार कर रहे हैं प्रभु हम भी तेरे दर पे हम भी तेरे दर पे आए हैं और प्रभु एक विनती और करना चाहूंगा जिनकी माए और जिनके पिता अभी इस दुनिया में हैं और जिनके आपके पास हैं या जिनके घर पर हैं वो लोग भी इस विनती को करना और सिर्फ इतना ही कह देना मैं माँ को प्यार दूं अपनी और पिता का हाथ बटाऊं मैं माँ को प्यार दूं अपनी और पिता का हाथ बटाऊं उनके संग दर पे आके मैं तेरी जोत जलाऊं उनके संग दर पे आके मैं तेरी जोत जलाऊं उनके संग दर पे आके मैं तेरी जोत जलाऊं उनके इस बाहर से बेटा कह दो तेरे प्यार के लिए हम भी तेरे दर पे आए हैं हम भी तेरे दर पे आए हैं बताइए अपने परिवार के लिए मेहनत करने में कितने लोगों को आनंद आया है ना तो चंद लम्हों के लिए 30 सेकंड के लिए हाथ नीचे नहीं होने चाहिए हाँ जी बिल्कुल सीधे हाथ और ऊपर ही लहरा कर तालियां और सिर्फ इतना ही कहना है हम भी तेरे दर पे आए श्याम प्यारे की रुखाटू नरेश की